मैं नहीं बताऊंगा, मैं ऑमलेट खाऊंगा। अजी तो क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, आज मैं आप लोगों के कुछ सवालों का जवाब देने वाला हूँ, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं सीधे सवाल की तरफ। तो सबसे पहला जो सवाल पूछने वाले हैं, इनका नाम है खेसारी स्टेटस। लिखते हैं, खेसारी लाल यादव के गाने पर पहले जैसा बीवर क्यों नहीं आ रहा है, सॉरी आ रहे हैं, प्लीज़ बताएं। ओके तो भाई देखिए, ऐसा है ना कि यस, इस समय व्यूज़ थोड़े कम हुए हैं, बट व्यूज़ कम सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल के गाने पर ही नहीं हुए हैं, लगभग सभी यूट्यूबरों के भी व्यूज़ इस समय थोड़े कम हुए हैं, और गाने वाने जो भी यूट्यूब पर जो भी कंटेंट है सभी पर इस समय थोड़े बहुत व्यूज़ कम आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि पिछले दो साल से, लगभग दो साल तक लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में लोग अपने घरों में कैद थे, अपने घरों में बंद थे, तो उस समय लोगों के पास अपने मनोरंजन के लिए, अपने इंटरटेनमेंट का सिर्फ दो ही साधन थे, पहला टीवी और दूसरा मोबाइल। तो टीवी पर तो कोई इतना ज़्यादा अपना टाइम पास करता नहीं है, लोग न्यूज़ व्यूज देख लेते हैं, ज़्यादातर टाइम लोग अपना मोबाइल पर ही बिताते थे, तो मोबाइल पर ज़्यादातर लोग यूट्यूब ही देखते हैं। तो यूट्यूब में होता ये था कि जब लोग यूट्यूब खोलते थे तो कुछ भी गाना हो गया या वीडियो हो गया, कुछ भी रहते थे, तो लोग अपने टाइम पास के लिए देखा करते थे, करने के लिए कुछ था भी नहीं तो क्या करें, तो उस समय व्यूज़ ज़्यादा आते थे। बट अभी क्या है ना, धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, तो पीछे पीछे स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, लोगों का काम धंधा शुरू हो रहा है, तो लोग अपने काम धंधों पर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है ना। कोई दिन भर बैठ के आपका गाना तो सुनेगा नहीं, पहले आदमी फ्री था तो सुन लेता था, अब तो दिन भर में एक बार दो बार सुन लिया, वो बहुत बड़ी बात है। पहले तो क्या होता था कि जो खेसारी लाल, पवन सिंह या फिर और भी जो भी सिंगर है, जो उनके डाई हार्ड फैन होते थे, उनको आप देखेंगे तो दिन भर में 50-50, 100-100 बार गाने सुनते थे, बट अब वो स्कूल जाए, कॉलेज जाए या दिन भर बैठ के गाना सुने, तो इस वजह से भी व्यूज़ में थोड़ी कमी आ रही है। ये सबके साथ हो रहा है, सिर्फ खेसारी लाल के साथ नहीं। अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं एसके सरकार ऑफिशियल। लिखते हैं, भैया सबसे पहले मेरा प्रणाम। प्रणाम ब्रदर, मैं बिहार से राइटर चंदन यादव आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मेरा सवाल ये है कि एक हीरो में क्या क्वालिटी होनी चाहिए और क्या वो क्वालिटी भोजपुरी के हीरो में है, जैसे एक्टिंग, डांस, एक्शन, डायलॉग। इट्स बिग फैन ऑफ यू, थैंक यू ब्रदर। देखिए ऐसा है ना कि क्वालिटी आपके अंदर सिर्फ एक ही होनी चाहिए, ठीक है ना। वो क्वालिटी ये है कि आपके अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए, ठीक है, आपको जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए कि हाँ मैं सीख कर ये कर सकता हूँ, ठीक है। जब आपके अंदर सीखने की ललक होगी ना, तो आप कुछ भी कर लेंगे। अगर सिर्फ एक दो फिल्म बना लिए और मुश्किल और वो ज़बरदस्ती हिट हो गया, उसके बाद अपने आप को बड़ा सुपरस्टार घोषित कर देना और फिर नहीं बस जो हूँ मैं ही हूँ, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। आप हमेशा सीखते रहें, ये सोचें कि जब तक आप जिंदा हैं धरती पर तब तक आपको सीखना है, वही आदमी आगे बढ़ेगा, ठीक है। जो अपने आप को अपनी ही मर्जी से सुपरस्टार घोषित कर दिया वो गया भैया, उसका कुछ नहीं हो सकता है। ओके ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं मुलायम कुमार। लिखते हैं, झंडू जी, झंडू जी, बिहार में इतना राजनीति क्यों होता है? बिहार में दारू बंद रहना चाहिए या खुला रहना चाहिए? मेरे हिसाब से तो खुला ही रहना चाहिए दारू। तो भाई देखिए ऐसा है ना कि मैं दारू का हितैषी नहीं हूँ, मैं कभी भी दारू को प्रमोट नहीं करता हूँ, और ना तो मैं पीता हूँ और ना ही मैं किसी को पीने के लिए कह सकता हूँ, ठीक है। दारू एक स्लो पॉइजन है जिससे आपकी जान भी जा सकती है और तरह तरह की बीमारी भी होती है उससे, ठीक है। तो दारू का तो मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा। दूसरी बात ये कि बिहार में खुला रहना चाहिए या बंद रहना चाहिए, इस पर मैं यही कहूँगा कि एक देश के अंदर है ना, कुछ लोगों के लिए अलग कानून, कुछ लोगों के लिए अलग कानून, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप दारू बंद करते हैं तो पूरे देश में बंद कर दीजिए, अगर आप दारू चालू रखना चाहते हैं तो पूरे देश में चालू रखिए ना। ये एक ही देश के अंदर दो तरह के कानून, ये सब मुझे कुछ समझ में नहीं आता कैसा क्यों होता है, खैर सरकार बेटर जाने। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। तो मेरा यही है राय है कि अगर खोलिए तो आप पूरे देश में खोलिए, अगर बंद रखते हैं तो पूरे देश में बंद रखिए, मेरा यही कहना है। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं प्रेम भाई। लिखते हैं, भाई मेरा एक ही सवाल है, झगड़ा गाने पर खेसारी लाल यादव पर सब बोले ये गाने चोरी किया है,
या दूसरा का कॉपी किया है, और सब सिंगर भी झगड़ा गाना गाए हैं, तो बस पर कोई ना कुछ बोला क्यों, रिप्लाई दीजिएगा भाई, लव यू। ओके, इनके कहने का मतलब ये है कि गाना तो बहुत सारे लोग चोरी किए हैं, तो सिर्फ खेसारी लाल को ही क्यों बोला जा रहा है। देखिए भाई, ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। रंजन लाल यादव यही कह रहे हैं कि सबसे पहले मैंने गाया था, तो रंजन लाल यादव का अगर आप फेसबुक पर लाइव वीडियो अगर आप देखेंगे तो खेसारी लाल का झगड़ा गाना नहीं आया था, और किसी को पता भी नहीं था कि खेसारी लाल का झगड़ा नाम से कोई गाना आ रहा है। उससे पहले से ही ये गाना चोरी हो रहा है, और उससे पहले से ही रंजन लाल यादव लाइव आ करके वो हमेशा बोल रहे हैं कि हमारा गाना चोरी हो रहा है, हमारा गाना फलनवा चुरा है, हमारा गाना ढिमकवा चुरा है। वो पहले भी बोलते थे, अभी भी बोल रहे हैं, ठीक है। बट बात यह है कि भाई, जो आदमी थोड़ा ज़्यादा फेमस होता है उसके बारे में लोग ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि भाई वो एक जिम्मेदार आदमी होता है ना, वो एक बड़े पद पे होता है तो वो जिम्मेदार आदमी है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो जो मतलब नए हैं, स्ट्रगलर हैं, या फिर आपकी भाषा में छोटे कह लें, तो हालांकि मैं छोटा किसी को कहता नहीं हूँ, ठीक है। तो उनका क्या होता है ना कि उनकी बात का कोई इतना कोई सीरियस लेता नहीं है, लेकिन जो बड़ा आदमी होता है, या फिर बड़ा स्टार होता है, बड़ा नेता होता है, या फिर कोई भी किसी भी पद पे अगर वो बड़े पोस्ट पे है, तो उसकी बात का लोग ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं। वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, बड़े लोगों के बड़े फैन भी होते हैं, है ना, उनके स्टार क्या कर रहे हैं वो भी वैसे करने की कोशिश करता है, उनका फैन भी। तो अगर आप चोरी कर रहे हैं तो लोगों में गलत मैसेज जाएगा ना, तो इसी वजह से बड़े लोगों को अपने पद का गरिमा बना के रखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके ओके, अगला जो सवाल है, ये लिखने वाले हैं, इनका नाम ही क्लियर नहीं दिख रहा है, देहाती दबंग शायद यही नाम है, लिखते हैं भाई मेरा सवाल का जवाब देते ही नहीं हो, है? पता नहीं क्यों, लेकिन आखिर बार पूछ रहा हूँ, ये YouTube के लिए क्या गर्लफ्रेंड छोड़ दूँ या YouTube छोड़ दूँ, ये क्या बात हुई? क्योंकि जब मन करता है कुछ नया करने का तो गर्लफ्रेंड फ़ोन कर देती है, बता दो क्या करूँ, अगर इस बार भी जवाब नहीं दिए तो मैं समझूंगा कि कोई छोटा यूट्यूबर का बात का जवाब नहीं देते हैं। गजब इंसान हो यार, मतलब ऐसे ही सवाल करोगे उसके बाद कहोगे कि जवाब नहीं देता हूँ, मतलब क्या है सवाल है ये यार? अरे भाई साहब, सिंपल सी बात है, समझा दो उसको कि मैं काम कर रहा हूँ, दैट्स इट, खत्म हो गया, काम खत्म हो जाएगा तो फिर मैं फ़ोन कर लूँगा। उसके बाद भी अगर वो नहीं मानती है, अगर आप वीडियो शूट कर रहे हैं उसमें अगर वो डिस्टर्ब करती है, तो मोबाइल में एक ऑप्शन होता है, क्या बोलते हैं, एरोप्लेन मोड का, एरोप्लेन मोड लगा दो, उसके बाद जब अपना काम कर लो उसके बाद फिर चालू करके बात कर लो। क्यों किसी को छोड़ना है या पकड़ना है यार? अब मैं किसी की फैमिली मैटर में बोल नहीं सकता ना कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ना है या रखना है, मैं कैसे बोल दूँ भाई, आपकी गर्लफ्रेंड है, आप बेहतर समझते हो आपके लिए कैसी है, ठीक है, अच्छी है या नहीं है, आप बेहतर आप समझ सकते हैं ना, मैं कैसे बोल दूंगा आप छोड़ दो या मत छोड़ दो। रही बात YouTube छोड़ने की, अगर आपका ये प्रोफेशन है तो क्यों छोड़ेंगे भाई, मेहनत करो, थोड़ा आगे बढ़ो, क्यों छोड़ना है। ओके, अगला जो सवाल है, ये लिखने वाले हैं सोनू जगदीश पुरिया, हाँ सोनू जगदीश पुरिया, लिखते हैं झंड जी, पहले तो आपको मेरी तरफ से थैंक यू, आपकी जो स्क्रिप्ट रहती है वो कॉमेडी विद ट्रुथ रहती है, अरे थैंक यू ब्रदर। मेरा सवाल ये है झंड जी की, अगर जैसे हम अपनी कोई भी सॉन्ग किसी भी स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाने जाते हैं तो वो हमसे पैसे भी लेते हैं, और हमारे सॉन्ग को अपने चैनल पर डालकर उससे भी इनकम करते हैं, और उसमें से सिंगर को कोई शेयर नहीं देते हैं, चलिए यहाँ तक तो मान लेते हैं कि कुछ हद तक सही है वो लोग, लेकिन उसके बाद वो लोग प्रोड्यूसर की जगह पर भी अपना ही नाम ठूस देते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये सही है या गलत, और अगर ये सही है तो कितना और कैसे सही है, प्लीज़ टेक दिस क्वेश्चन इन योर नेक्स्ट वीडियो, लव अगेन माई ब्रदर फॉर मेकिंग अस लाफ। ओके, तो ब्रदर देखिए ऐसा है ना कि किसी भी स्टूडियो में जब आप पहली बार गाना रिकॉर्ड करवाने के लिए चाहते हैं तो उनकी एक टर्म्स और पॉलिसी होती है, ठीक है ना, कि उनका क्या रूल है।
वो आपको सबसे पहले पूछना चाहिए वहाँ पर जा करके कि मतलब हम रिकॉर्ड कराएंगे तो क्या तरीका है, कैसे रिकॉर्ड होगा और हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर आप हमसे कितना लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ फाइनल होने के बाद अगर आप उनके यहाँ गाना गाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बता दे रहे हैं ना भाई हमारे यहाँ गाना गाओगे तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी या हम ये चीज़ हम करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आता है उनकी पॉलिसी तभी आप लीजिए, तभी आप उनके यहाँ गाना रिकॉर्ड करवाइए आप, नहीं तो अदरवाइज बहुत सारे ऐसे स्टूडियो भी हैं जो कि आपका गाना रिकॉर्ड करके आपको मिक्स करके आपका गाना आपको दे देते हैं, आप जहाँ चाहे वहाँ पर जाकर शेयर करवा सकते हैं या फिर अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बना करके आप उस पर भी शेयर कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडियो वाले हैं, बट उनका थोड़ा सा चार्ज थोड़ा सा हो सकता है, ज़्यादा होता होगा। बाकी जो लोग नए होते हैं ना, जो सिंगर भैया, तो पहला गाना गा रहा है आदमी, दूसरा गाना गा रहा है, या फिर तो ऐसे में क्या होता है ना, मुश्किल से 500, 1,000, 2,000, 2,500, 3,000 ही व्यूज आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। इसकी क्या ही इनकम होगी भैया, 2,000, 3,000 व्यूज के $1, सवा $1 इतने ही बनते हैं, ठीक है, इसमें वो क्या ही कमा लेगा। और अगर कोई ऐसा सिंगर है जिसका पहला ही गाना हिट हो गया, चल गया, बहुत अच्छा हो गया, तो आपके लिए अच्छा है ना भाई, आप फेमस हो गए, ठीक है ना, तो आप कहीं और से भी जाके फिर से गाना गा के आप अपने पैसे, अपने गाने आप पैसे में बेच सकते हैं, भाई ये मेरा गाना है, किसी को भी आप किसी भी कंपनी को बेच सकते हैं अगर आप फेमस हो गए तो। अगर आप फेमस नहीं हैं तो भाई कंपनी की जो पॉलिसी है वो आपको माननी पड़ेगी और आपको देना भी पड़ेगा। अब रही बात कि वो प्रोड्यूसर की जगह पे अपना नाम क्यों लिखते हैं, तो भैया मैं आपको बता दूं कि जो आप पैसा वहां पर पे करते हैं ना वो उनका चार्ज होता है, ठीक है ना, उनकी स्टूडियो का चार्ज होता है, वो आपके गाने पर लगने वाला पैसा नहीं होता है। तो जो गाना आपका प्रोड्यूस किया गया वो तो उसने ही किया ना, आपने तो नहीं किया, आपने तो अपना चार्ज दिया ना कि भाई इस स्टूडियो में मुझे गाना गाने का इतना चार्ज है, तो उतना आपने चार्ज दिया, वो उनका चार्ज, उनकी फीस है, वो आप गाने को प्रोड्यूस करने के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं ना। तो गाना जो वो बना के अगर वो शेयर कर रहा है तो उसको उसी ने प्रोड्यूस किया, तो वो अपना ही नाम लिखेगा ना, आपका नाम तो लिखेगा नहीं। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं अंकित इंटरटेनमेंट, लिखते हैं भोजपुरी में कभी बिग बजट फिल्म बनेगी या नहीं, लव यू ब्रो, लव यू टू ब्रदर। रही बात बिग बजट फिल्म की, तो यस क्यों नहीं बनेगी, आप बिग बजट लेकर के आइए, मैं अभी कल से बाहुबली 3 शुरू करवा देता हूँ भोजपुरी में, क्यों नहीं होगा, बिग बजट होना भी तो चाहिए ना, बिग बजट अगर कोई लगाता है तो बोलिए बिग बजट वाली फिल्म बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, हॉलीवुड खड़ा कर देंगे इधर। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं रितेश कुमार, लिखते हैं भैया जी पहले आपको नमस्ते, नमस्ते ब्रदर, लिखते हैं मेरा यह सवाल है कि बॉलीवुड वाले लोग बिहार और यूपी से कहानी उठाकर सुपर 30 जैसी मूवी बनाते हैं, क्या भोजपुरी वाले सुपर 30 भोजपुरी में बनाते तो हम सब उनको नहीं देखते, तो भोजपुरी वाले क्यों नहीं ऐसी मूवी बनाते हैं, रिप्लाई प्लीज भैया। ओके, तो ब्रदर देखिए ऐसा है ना, ये जो फिल्म है सुपर 30 ऋतिक रोशन की, ये फिल्म भोजपुरी में बनती है अगर, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि ये फिल्म नहीं चलती। इसकी वजह है कुछ बातें ऐसी है जो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा अगर मैं बोलूँगा तो, बट क्या है ना कि बोलना पड़ता है भाई, है ना, सच थोड़ा कड़वा जरूर लगता है लेकिन सच सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो सच ये है कि हमारे यूपी बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है आपको पता ही है, ठीक है ना, हमारे यहाँ लोग बस क्लास गिनती कराने के लिए लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, 4 क्लास, 8 क्लास, 10 क्लास तक लोग पढ़ लेते हैं गिनती कराने के लिए, बट कितनी बुद्धि होती है वो एक भोजपुरी के ऑडियंस जो कि भोजपुरी फिल्म देख करके थिएटर से बाहर आ रहा हो उससे पूछना, वो यही कहेगा सर वा फिल्मिया मरिए नहीं बा। भोजपुरी फिल्म देखने वाली ज़्यादातर ऑडियंस जो है ना वो नॉन एजुकेटेड है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे ही नहीं हैं बिल्कुल, उनको आप किसी भी कीमत पर नहीं समझा पाएंगे कि भैया ये किसी की बायोपिक है। भोजपुरी फिल्म देखने वाली ज़्यादातर ऑडियंस जो है उसको मसाला चाहिए, मार धाड़ चाहिए, खूब हीरो एग्रेशन में होना चाहिए, ऐसी फिल्म देखना वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, रियलिस्टिक फिल्में भोजपुरी में इस समय अभी नहीं चल पाती हैं, ठीक है, नहीं चल पाएंगी, इसीलिए लोग नहीं बना रहे, ऐसी बात नहीं है कि उनको बनाने नहीं आएगा, मैं भी पहले यही सोचता था कि ये लोग क्यों नहीं बनाते हैं, बट मैंने एक सर्वे कराया जिसमें ये पता चला यस वैसी फिल्में भोजपुरी में नहीं चलेंगी, यस 100 में से 20 लोग तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो समझ लेंगे कि एक बायोपिक है और वो कहानी पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, बट जहाँ पर 100 लोग फिल्म देख रहे हैं वहाँ पर सिर्फ 20 लोगों के लिए फिल्म क्यों बनाए भाई,
ऐसे तो बजट ही बह जाएगा पानी में। ठीक है, सच यही है और ये कड़वा भी है कि भोजपुरी फिल्म देखने वाली जो ऑडियंस है उसको फिल्म में मसाला चाहिए, और किसी पर बायोपिक आप बनाएंगे तो उसमें आप ज़्यादा मसाला दे ही नहीं पाएंगे। देंगे अगर उसमें मसाला डालेंगे तो वो उसकी बायोपिक रहेगी ही नहीं, कैसे रहेगी। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं सिंगर मनीष राज ऑफिशियल, लिखते हैं, क्या भोजपुरी में जब तक अखिलेश कश्यप है तब तक छोटे राइटर या सिंगर का गाना चलेगा? तोरा अखिया के कजरा ए जान झगड़ा करा देले बा। भाई कैसे सोचते हो यार इतना दूर तक। देखो ऐसा होता है ना भाई साहब कि भोजपुरी में बहुत सारे नए कलाकार हैं, नए सिंगर हैं, नए राइटर हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका गाना कभी किसी ने नहीं चुराया है, तो वो लोग आगे क्यों नहीं बढ़े? उनका तो गाना अखिलेश कश्यप ने नहीं चुराया ना, तो उनको तो बढ़ जाना चाहिए आगे। असल में देखो होता ही है ना भाई साहब, किसी भी नए सिंगर या स्ट्रगलर सिंगर का कोई भी गाना, जब कोई बड़ा सिंगर चाहे जैसे भी चोरी कहो या फिर कैसे भी अगर वो गा देता है, तो इससे जिस नए सिंगर ने पहले गाना गाया है ना उसको फायदा ही होता है। कभी भी इस चीज़ पर ध्यान देना, नुकसान कभी भी नहीं होता है। मैं एक बात बता दूं, तुम्हारा अखिया के कजरा है जान झगड़ा करा देने वा, जो कि रंजन लाल यादव दावा कर रहे हैं कि मेरा है, ठीक है, तो इससे पहले कितने लोग जानते थे कि रंजन लाल का ये गाना है? आप जानते थे? आज तो करोड़ों लोगों को पता चल गया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वही गाने उठा के गा दिए। बट आपने जिसका नाम लिखा है अखिलेश कश्यप, ठीक है ना, उनका गाना गाया है खेसारी लाल यादव, उस गाने को ध्यान से देखो, रंजन लाल का जो गाना है उसको ध्यान से सुनो, आपको पता चलेगा कि अखिलेश कश्यप ने सिर्फ मुखड़ा उठाया है, सिर्फ दो लाइनें, बाकी का उनका पूरा गाना अलग है। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिट्टो वही गाना उठा के वही गाना चिपका दिया है, फिर भी आपने उनका नाम न लिख करके अखिलेश कश्यप का नाम लिखा है। ऐसी बात नहीं है कि अखिलेश कश्यप ने पहले गाना कभी नहीं चुराया है या इसमें उन्होंने चोरी नहीं की, की है, मैंने अपनी वीडियो में भी कहा है। बट ऐसा किसी को टारगेट करना ना ये गलत चीज़ है, ठीक है ना। आप अगर किसी को गलत बोल रहे हो तो सबको बोलो, जिसने गलत किया है सबको बोलो, नहीं है ना, नहीं तो आप चुप रहो, गाना सुनो, एंजॉय करो। कभी भी जब किसी नए सिंगर का गाना चोरी होता है ना, ठीक है, आपसे आप ध्यान से देखना, उसको भी पता है कि इसमें मेरा ही फायदा है। अगर किसी बड़े सिंगर ने मेरा गाना गाया है तो उसमें मेरा ही फायदा है, उसको भी पता है। बट ये बात दबना नहीं चाहिए, अगर ये बात दब गई तब कोई फायदा नहीं है, इसीलिए इसको उछालना जरूरी है। जब उछालोगे तब लोगों को पता चलेगा कि हाँ किसी ने इल्ज़ाम लगाया है, तो इसका मतलब इसने उसका गाना उठा गया है, थोड़ा उसका भी गाना देखो कैसा है, हम तो जानते नहीं थे उसके गाने के बारे में, आज गए देखे ना, तो उसका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। हाँ एक चीज़ है कि जो लोग चोरी करते हैं उनको क्रेडिट देना चाहिए कि भाई उनसे पूछ लेना चाहिए कि भाई तुम्हारा गाना अच्छा है, मैं गाना चाहता हूँ, या फिर हम मैं कुछ चेंज करूंगा, तो जितनी लाइन तुम्हारी होगी तुम्हें भी क्रेडिट मिल जाएगा, जितना मेरा राइटर लिखेगा उसको भी उतना क्रेडिट दे दिया जाएगा। तो जो क्या बोलते हैं लिरिक्स का जो कॉलम होता है वहाँ पर आप दोनों लोगों का नाम लिख सकते हैं कि भाई आधा उनका गाना है आधा इनका गाना है, इन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर लिखा है, तो इस तरह से भी क्रेडिट दे देना चाहिए, ठीक है, इससे आपका भी फायदा उसका भी फायदा, कोई बवाल भी नहीं होगा। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं शशांक यादव, लिखते हैं, आपने कुछ दिन पहले पुराना वीडियो अपलोड कर दिया था, ऐसा क्यों, प्लीज रिप्लाई। तो भाई देखिए ऐसा है ना कि उस वीडियो को लगता है आपने पूरा नहीं देखा है, ठीक है ना, उस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो एक वीडियो नहीं है, बहुत सारे वीडियो का छोटा छोटा पार्ट कट करके और एक साथ जोड़ करके उसमें डाला गया है। क्यों? क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको धरती की कॉमेडी ज़्यादा पसंद आती है, ठीक है ना, तो उसमें देखो ध्यान से आप देखो कि जितना धरती का आवाज़ है उसी पार्ट को कट करके वहाँ पर डाला गया है, वो उन लोगों की इन्जॉयमेंट के लिए जो लोगों को धरती की कॉमेडी ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए वो क्लिप डाला गया है, ठीक है, वो पुराना वीडियो है, बहुत सारे पुराने वीडियो का छोटा छोटा पार्ट कट करके बनाया गया है, ठीक है। अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं सिंगर प्रदीप यादव, लिखते हैं, ब्रो जातिवाद पर सॉन्ग गाना सही है या गलत? ब्रदर देखिए ऐसा है कि जातिवाद पर सॉन्ग गाना तो गलत ही है, क्योंकि इससे एक दूसरी जाति के प्रति नफरत ही फैलती है, कुछ अच्छा नहीं होता है। बट इसमें दूसरी बात ये भी है
कि भाई ये हमारा जो देश है ना, ये एक प्रजातंत्र है, ठीक है ना। यहाँ पर कौन आदमी क्या सुनेगा क्या देखेगा उसको आज़ादी है, उसकी मर्जी है। तो जब सुनने वाला खुश है और गाने वाला भी खुश है, तो बीच में हम टांग लड़ाने वाला कौन होता है, ठीक है। सरकार चाहे तो ऐसी चीज़ों पर बैन लगा सकती है, हम और आप कोई नहीं होते हैं बीच में बोलने वाले। हमें नहीं पसंद, हम नहीं सुनेंगे, दैट्स इट, बात खत्म। लेकिन जो लोग सुन रहे हैं उनकी आज़ादी तो हम नहीं छीन सकते ना उनसे, तो यही है। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं मिस्टर बिहारी ब्लॉग, लिखते हैं झंड जी ट्रेंडिंग सेक्शन में झंडा कब गाड़िएगा, माई ओरिजिनल चैनल वायरल बिहारी, थोड़ा प्रमोशन भी। ओके ब्रदर, देखिए वो बहुत बहुत लंबा रास्ता है अभी, बट ठीक है, आप लोगों का प्यार मिला तो थोड़ा जल्दी भी हो सकता है। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं फैन ऑफ पावर स्टार युवराज सिंह, लिखते हैं आप बोल रहे थे कि आप एक मूवी की स्टोरी लिख चुके हैं और उसे बेच भी चुके हैं, तो आप नई स्टोरी लिख कर क्यों नहीं देते भोजपुरी इंडस्ट्री को। देखो भाई, ऐसा है कि मुझे आप वापस क्यों भेजना चाहते हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ा वहाँ से आगे बढ़ गया हूँ, मुझे आगे बढ़ाइए ना, वापस क्यों भेजना चाहते हैं मुझे। देखिए अभी क्या है ना कि इस वक्त की जो मेरी हालत है, मैं आपसे कह सकता हूँ कि भोजपुरी के जो राइटर हैं, चाहे वो सॉन्ग राइटर हों या फिर फिल्मों के जो राइटर हैं, कुछ लोगों को छोड़ करके ज़्यादातर लोगों से तो मेरी इस समय हालत बेहतर ही है। हाँ, कुछ लोग खूब पैसा कमा लिए हैं, वो अलग बात है, बट गाना लिखने के 2000 3000, फिल्म लिखने के 4000 5000, तो भाई उस हिसाब से तो मेरा बढ़िया चल रहा है ना, मैं क्यों वापस जाऊँ उसी गली में। वैसे जो भी भोजपुरी के जो या फिल्म राइटर हैं या फिर जो सॉन्ग राइटर हैं, उनको मेरे हिसाब से उनका हक नहीं मिल रहा है, ठीक है। इस पर विचार करना चाहिए इंडस्ट्री को, ये गलत हो रहा है। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको ठीक है, ठीक ठाक पैसा मिल जाता है, वो लोग तो देख रहा हूँ भाई बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, बाकी ज़्यादातर राइटरों को उनका हक नहीं मिल रहा है।